बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कीजिए, हम आज आपके लिए बहुत ही अमेजिंग वीडियो के साथ आपकी खिदमत में फिर से हाजिर हूँ। तो आज हम बात करेंगे पिंपल्स के बारे में। आपकी स्किन में बहुत ज़्यादा पिंपल्स बन जाते हैं क्योंकि आजकल विंटर सीजन है और विंटर सीजन में आपकी स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाती है और स्किन में बहुत ज़्यादा पिम्पल्स बनना शुरू हो जाते हैं और बहुत सी जो स्किन प्रॉब्लम जो है वो स्टार्ट हो जाती है। तो इन सब का एक सिंपल सा सोल्यूशन मैं आज आपके लिए लेके आई हूँ। तो चलिए अपनी वीडियो की तरफ चलते हैं, अपनी वीडियो की बनाना स्टार्ट करते हैं। और उससे पहले जो फ्रेंड मेरे चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हो, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो और साथ में बेल आइकन को मस्ती प्रेस करें ताकि मेरी हर न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन से पहले आप तक पहुँचे। और मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करना मत भूलिएगा, तमाम जो लिंक्स हैं आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएंगे, वहाँ से जाकर आप डायरेक्टली मुझे फॉलो और लाइक कर सकते हैं। तो चलिए अभी आज की अमेजिंग वीडियो बनाना स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप सब जानते हैं कि आजकल विंटर सीज़न है और विंटर सीज़न में आपकी स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई और रफ हो जाती है और तमाम लड़के लड़कियां अपनी स्किन को लेके बहुत ज़्यादा परेशान हैं। उनकी स्किन पर मोटे मोटे पिंपल बनना शुरू हो जाते हैं। इसकी मेन वजह क्या है कि आपकी जो स्किन है सर्दियों में इसमें पसीना इतना नहीं आता, स्वेटिंग वगैरह नहीं होती, जिसकी वजह से आपका जो एक्स्ट्रा ऑयल है स्किन का वो बाहर नहीं निकल पाता और वो स्किन के अंदर ही जमा होने लग जाता है, जिसकी वजह से आपको पिंपल्स होते हैं, ब्लैकहेड्स होते हैं, वाइट हेड्स होते हैं। तो इसके लिए आज मैं सिंपल सॉल्यूशन आपको बताऊंगी। सबसे पहला सॉल्यूशन तो ये है कि आपने वीक में एक दफ़ा कम से कम अपने चेहरे को स्टीम देना है। स्टीम देने का प्रोसेस आप सब जानते हैं कि पानी को जैसे बॉयल करना है और फिर उसका उसको जो है आपने उसका जो धुआं उड़ा है उसकी जो स्टीम है वो अपने फेस पर लेनी है। किसी टॉवल की मदद से अपने फेस को कवर करके आपने अपना फेस जो है वो जो उसका धुआं है उसके ऊपर कर देना और टॉवल से आसपास से कवर कर देना ताकि आपको अच्छे से स्टीम मिल सके। और आपने तकरीबन 5 मिनट या 10 मिनट तक स्टीम देनी है। हफ्ते में एक दफ़ा आपने ये करना है, इससे आपकी स्किन में से जो एक्स्ट्रा ऑयल है वो बाहर आ जाएगा और आपकी स्किन जो है वो पिंपल से महफूज रहेगी और आपकी स्किन बिल्कुल भी रफ और जो डार्क स्पॉट्स वगैरह कुछ भी नहीं बनेंगे। तो फर्स्ट सॉल्यूशन तो ये होगा। सेकंड सॉल्यूशन क्या है, दोनों आप एट टाइम भी कर सकते हैं। आपने क्या लेना है, वैसलीन पेट्रोलियम जेली लेनी है, मार्केट में आसानी से मिल जाती है, कहीं से भी आप इसको बाय कर सकते हैं। आपने इसका तकरीबन थोड़ी सी क्वान्टिटी लेनी है जितनी आपने अपने फेस पर लगा सकें। उसमें आपने 2 से 3 ड्रॉप जो है वो लेमन के ऐड करके हम दोनों को मिक्स करके अपने फेस पर लगाकर सो जाना है। ये प्रोसेस इतना ज़्यादा इफेक्टिव और इतना ज़्यादा सिंपल है कि आपको 1 से 2 एप्लीकेशन के बाद ही बहुत अमेजिंग और इफेक्टिव रिजल्ट्स मिलेंगे। इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह आपको बहुत ज़बरदस्त रिजल्ट मिलेंगे। आपकी स्किन पर जितनी भी प्रॉब्लम है वो ख़त्म हो जाएगी क्योंकि आजकल जो बहुत ज़्यादा फंक्शंस और वेडिंग वगैरह भी हो रही है, किसी ना किसी की जो वेडिंग है और या फिर आपको कोई वेडिंग जो है अटेंड करनी है, कोई फंक्शन अटेंड करना है, तो इसलिए आपकी स्किन को नीट एंड क्लीन रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो जो आज मैंने आपको प्रोसेस बताया, जिस किसी को भी स्किन पर डलनेस है, डार्क स्पॉट्स हैं, जो भी है पिंपल्स वगैरह है, उन सब के लिए जो प्रोसेस है बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है। एक वीक में एक दफ़ा स्टीम लें अपने फेस की और ये जो मैंने आपको रेमेडी बताई है वो अप्लाई कीजिए, इंशाल्लाह आपको बहुत अच्छे और इफेक्टिव रिजल्ट्स मिलेंगे। तो फ्रेंड्स, ये थी मेरी आज की वीडियो। आई होप आपको मेरी आज की वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है प्लीज़ को लाइक शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो बहुत सारा ख्याल रखिएगा, फिर मुलाकात होती है नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।